सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों एक स्टोरी लेके आया है, बहुत अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी है अपने डॉक्टर साहब की। बहुत अच्छी लगी इनकी स्टोरी, आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे एक बार। तो ये भाई अपने प्रमोद जहांगीरपुर से, झज्जर में पड़ता है हरियाणा में, और पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो कुछ इनसे जानना चाहेंगे कि इस पेशे घोड़ेबाजी में कैसे इनकी एंट्री हुई। प्रमोद जी नमस्कार। भाई साहब कुछ बताइए जरा एक बार, जैसे आपने दो घोड़े पाल रखे हैं, सबसे ऊंचे हैं हरियाणा में, और मतलब आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, तो मतलब डॉक्टर होते भी आप घोड़ा लाइन में कैसे घुसे, कैसे इंटरेस्ट बढ़ा? भाई साहब सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल डीएस फोटोग्राफी सबको हाथ जोड़ गए प्रणाम। भाई मेरे भाई का बड़े भाई का शौक है था, और भाई हमारे घर में भी कोई घोड़ा घोड़ी हो। अच्छा, मतलब पहले वैसा शौक था कि वाइट टू वाइट से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ घोड़ा घोड़ी रखना था। लेकिन बड़े भाई का एक शौक था अगर हमारे घर में भी घोड़ा घोड़ी हो। हम चार भाई हैं, मेरे से दो तीन बड़े हैं वो हरियाणा रोडवेज में हैं, दो परिचालक है एक चालक है जी। तो फिर भाई उनका तो शौक वो तो कर नहीं सकते क्योंकि उनका तो ड्यूटी टाइम है भाई, रात की भी होती है दिन की भी होती है। इस कारण वो बोला भाई को घोड़ा या घोड़ी जरूर होना चाहिए। मैं कलावड़ से है जो उसके पास गया, उसने मेरे को एक घोड़ी दवाई दमाना गांव से पंडित जी के, महेश पंडित जी के पास से। अच्छा, बहुत अच्छी घोड़ी थी। फिर मेरा न्यू शौक बढ़ने शुरू हो गया। फिर अच्छा, मतलब आपको तो सिर्फ ये ऐसे आपके भाई ने घोड़ी लेके दे दी कि तू संभाल ले इसको। हाँ, शौक उनको तो रखने का। हाँ, फिर वो एक है ना, एक मनु शर्मा का आग्रह है, अगर किसी घोड़े की रीढ़ की हड्डी से किसी की रीढ़ की हड्डी टच हो गई तो उसका शौक छूटेगा नहीं, उसका शौक छूटेगा नहीं। तो आपकी ओटच होगी, ओटच होने के बाद तो फिर इंटरेस्ट था और घोड़ेबाजी लाइन में और बढ़ गया। फिर मैंने धीरे धीरे काला फरमाना के पास एक नुकरा घोड़ा था जो जगह, ये तो मेरे को पता नहीं, सेकंड पोजीशन थी ना, रमन घोड़ा था। रमन हाइट उसकी छोटी थी, नुकरा था 59 इंच का था। अच्छा, वो तो काफी पहले की बात हुई, तकरीबन कितने साल पहले की? स्टार्टिंग के बता रहे हैं भाई साहब। अच्छा, शुरुआत से ठीक है। दूसरी घोड़ा ही लिया मैंने। अच्छा, कलावड़ से था ना अपने गुरुजी हैं, उसने दवाया घोड़ा। अच्छा, आगे फिर उसके बाद है मैं बेरी मेले में ले गया घोड़े ने, कुछ मेरे को शौक था, मैं डीजे डाजे पे माड़ा मूड़ा पहना के और ले गया। फिर एक भाई ने कुछ कह दिया था, आयो भाई टट्टू है, टट्टू ये रखेगा, मतलब वो टट्टू देख किस हिसाब से टट्टू बोला? भाई साहब ये तो कहनिया की सोचो, मारी सुननिया की सोच थी, हमने सुन लिया, कहनिया की थी जो हमने वो भी आपने एक्सेप्ट करा, तो बुरा नहीं लगा उस टाइम पे? इतना मतलब घोड़े को खिलाना पिलाना बहुत मेहनत होती है। लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था, अगर लाना तो हरियाणा में सबसे टॉप की चीज लेनी है। मतलब उसके बाद हो गया, उस बंदे ने आपको बोला? अगली जो छमाही पे मेला भरा था, मैं गुलबाग घोड़ा लिया था सूरा वाला बुग्गा सिंह के पास राजस्थान से। अच्छा, मैं गुलबाग घोड़ा लिया, 8 तारीख की नोटबंदी थी, 13 तारीख को मैं घोड़ा लेकर आया। अरे उस टाइम की बात है तो? हाँ जी। तो उस बच्चा लेके आया पूरा घोड़ा लेके? चार दांत घोड़ा है। चार, अभी उम्मीद थी घोड़े की कितना ऊंचा चला जाएगा वो? हाल ही में जब था ना, जब चार दांत यो हरियाणा में सबसे टॉप था हाइट के अंदर, तो फिर आपने उसको मेरे ख्याल से झज्जर शो में लगाया, उधर फर्स्ट आया वो? मैंने शो में नहीं लगाया। अच्छा, कहीं भी शो में नहीं लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि शो में इसलिए नहीं लगाया भाई साहब, आगे अच्छी चीज की है ना, अच्छी चीज का हर कोई गाको है, लेकिन उनमें आप से मैं मन मुटाव के कारण मैंने घोड़ा नहीं लगाया कहीं भी। अब आपसे मन मुटाव हो जाता है तो? हाँ, बस मैंने उसे कारण लगाया, मैं घोड़े का लेकर जरूर गया था लेकिन मैंने लगाया नहीं भैया। अच्छा, एक छोटी सी बात चुप गया आपको, टट्टू लिया है मेरे में, टट्टू था हमने घोड़ा करा खड़ा, तो फिर अब वो भाई बोले नहीं कि आप घोड़ा लेके आया है टट्टू का? भाई साहब दिख, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है, हमने 6 महीने के अंदर घोड़ा लिया, कुकू पहलवान ने मेरे को घोड़ा बताया, भाई इस तरह घोड़ा है, मेरी एक ही सोच थी आज हरियाणा में सबसे ऊंचा घोड़ा लाऊंगा, और परमात्मा की दया से नुकरा माज भी सबसे ऊंचा घोड़ा है, गुलबाग वीर शैतान भी। अच्छा, दो घोड़े दोनों सबसे ऊंचे? सबसे ऊंचे है। तो डॉक्टर साहब नॉर्मली जो घोड़े होते हैं सिंधी वो चाल में चलते हैं, तकरीबन 58-59 हाइट होती है। हाँ
आपने एक घोड़ा लिया शैतान 68 हाइट है और उसको आपने चाल में लगाया, आपने लगाया या जैसे कैसे खरीदा, कैसे लगाया वो बताइए जरा। नहीं भाई साहब, ये तो खरीदा जरूर मैंने शैतान आज से 2 साल पहले, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से किसी ने उसने सिखा रखा था, चाल चलना पहले जानता था। अंकल मोलड़ के पास था, असली नाम तो मैं जानता नहीं लेकिन मोलड़ से सीधा मैं मोलड़ के नाम से जानता हूँ। उसके पास था घोड़ा, मैं घोड़ा कई बार लेने गया। एक बार अंकल ने ये कही थी, अग बेटा घोड़ा दिखाऊ नहीं है मेरे, उसके बहुत ज्यादा जमीन है वो उस क्षेत्र में। उसने बोला बेटा मैं घोड़ा बेचूंगा नहीं, तो मेरा शैतान है ना, मैं दिल से प्यार करता हूँ दोनों घोड़े। मन को भागा घोड़ा? हाँ, मन को। मैंने ये सोचा मगर यार गुलबाग तो है, शैतान भी अपने घर पर होगा। वो बात भी सही साबित होगी कि जिस चीज को चाहो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। भैया पक्का आपने दिल से चाहा घोड़े? दिल से चाहा परमात्मा ने आज। भाई मैंने सुना था अंकल मोलड़ कह रहे थे मेरे को, मैं किसी बात को छुपाता नहीं, मैं जो करता हूँ सबके बीच शेयर करता हूँ। अच्छा। वो कहता डॉक्टर तेरे से ऊंचा घोड़ा आएगा हरियाणा में। मैंने बोला आज तक तो नहीं है, 1 महीना पहले की बात है। माँ अंकल जी आ जाएगा मेरे से ऊंचा, आ जाएगा मेरे से ऊंचा, लेकिन है ना बंद कान का इतना ऊंचा घोड़ा कहीं नहीं खड़ा, पंजाब में भी खड़े होंगे। ये कह रहे हैं कि भाई 70 इंच का है लेकिन बंद कान का शैतान से ऊंचा घोड़ा, गुलबाग से ऊंचा घोड़ा दिखाओ मेरे को। काफी ऊंचे हैं तो 68 हाइट बहुत हो जाती है, बंद कान में इतनी हाइट मिलेगी नहीं। एक हाथी घोड़ा भी है वो बता रहे 70 इंच का भाई साहब। हाँ वो बेहतर का होगा, मैं इस चीज से बहस नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन बंद कान की खुले कान की मैं बहुत सारा फर्क हुआ भाई साहब, बहुत होता है। मारवाड़ी में थोरोब्रीड में तो बहुत ज्यादा फर्क है, थोरोब्रीड तो 75 भी चले जा रहे हैं भाई साहब। थोरोब्रीड का मतलब ये होता है, थोरोब्रीड कोई स्ट्रक्चर से नहीं दिखता, ये थोरोब्रीड है, कानों से पता चलता थोरोब्रीड है। थोरोब्रीड के अंदर एक पसली कम होती है मारवाड़ी से। अच्छा बता देता हूँ मैं, उसका स्ट्रक्चर इतना चौड़ा होता है, इस कारण उसकी लेंथ हाइट सारी चीज है ना ज्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आपको काफी अच्छा नॉलेज है नुकरों का, तो कुछ मारवाड़ी का भी हो तो बताओ जरा। भाई साहब मैं घनी इतना नॉलेज मेरे को मारवाड़ी की है नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कुछ। 1991 में दो नस्ल थी भारत की जो प्रसिद्ध थी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी। अच्छा। हाँ राजस्थान से शुरू हुई थी, जो जन्म मारवाड़ी का राजस्थान से हुआ। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आपके दोनों घोड़े काफी ऊंचे हैं। हाँ जी। अभी आने वाले समय में अगर इनसे ऊंचा कोई घोड़ा और आ गया तो भाई साहब डॉक्टर जिंदा है, अगर परमात्मा रहे, परमात्मा का आशीर्वाद रहे ने, तो अपनी वो मनु शर्माली बात है, रीढ़ की हड्डी है ना घोड़े की, रीढ़ की हड्डी से टच है, मैं उससे भी ऊंचा लाऊंगा। उससे भी चला होगा। तो कभी ये नहीं सोचा कि जैसे आप घोड़ियों पे काफी घोड़ियां क्रॉस होती हैं, कोई अभी तक होमब्रीड तैयार नहीं की कोई बच्चा अपने नुकरा? मैं बता दूंगा, अपने पास हरियाणा में एक चाटा है, मैं डिस्ट्रिक्ट का जिक्रा नहीं करूंगा। चाटा कोई जगह है? डिस्ट्रिक्ट का जिक्रा नहीं करूंगा। अच्छा। मैं हरियाणा स्टेट का जिक्रा करूंगा। चाटा के पास बंद रहा घोड़ा है, आधुना बच्चा है, 22-23 महीने का, 65 इंच हाइट है उसकी। अच्छा। वो गुलबाग का बच्चा है, नुकरा है? वो नुकरा है, उसे थोड़ा है कान पे है ना, वो थोड़ा एक कोई दाग लसन टाइप है, लसन टाइप है, लसन टाइप। हाँ जी। एक मेरे साथी जेरी के पास घोड़ा है, बच्चा है। अच्छा। वो शैतान का बच्चा है, 10 महीने का है, 59 इंच हाइट है। 10 महीने का बच्चा है, 10 महीने का, 59 इंच हाइट। अच्छा, रिजल्ट भी काफी अच्छे घोड़ों के। आखिरी एक मैंने घोड़ा दवाया गड्डी से, जो अपने भादरगढ़ के पास गड्डी गांव है, एक काले के पास है पहलवान नजफगढ़। अच्छा। हाँ उसको दवाया है, बच्चा हो गया 18 महीने उसकी उम्र है, 62+ हाइट है, आने वाले समय में स्पोर्टलेस है, आने वाले समय में वो भी एक तहलका के रूप में होगा। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जैसे घोड़ियाँ क्रॉस होती हैं, ये फीस कितनी लेते हो दोनों की बताना? भाई साहब शैतान को तो बहुत कम छोड़ते हैं क्योंकि रेवाल साहब में है। अच्छा। और गुलबाग की फीस ये है भाई साहब, आगे अगले की स्थिति देखी जा किस तरह की। नहीं एक बार तो आपने 3100 रखी थी शुरुआत से ही। हाँ जी। तो आपने एक बार बीच में थोड़ी बढ़ा भी दी थी। हाँ जी। तो अब फिर वैसे ही आपने कम कर दी भाई साहब? दे रखे है
हमारे हरियाणा के अंदर है ना बहुत गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है। अच्छा, अमीर आदमी तो घोड़ी को क्रॉस करा लेते कहीं भी, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। कई बार ये है ना कि कम फीस होने की वजह से रस बहुत हो जाता है, घोड़े को आराम भी नहीं मिल पाता, आपने इसलिए बढ़ा दी होगी। मैं भाई साहब मेरा एक अपना मैं बताऊंगा अपने करियर के बारे में, अगर मैं हर बंदे को जो गरीब बंदा होगा ना उसकी घोड़ी पर घोड़ा डालकर बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, फीस नहीं, अगर बंदा मेरे को कहता था सब फीस नहीं है, मैं ये बोला करूँ अगर भाई साहब आपकी घोड़ी रुक जाए ब्याह जाए अच्छा बच्चा बच्ची दे दे और ब्याह बिकने के बाद है ना मेरी फीस अदा कर देना। अच्छा, मैं ये नहीं कहता मेरी फीस आज देगा, मतलब किसी को प्रेशर नहीं देते कि मेरी अभी दो। नहीं कोई नहीं, और आज लग कहने वाला भी नहीं है कोई, अगर भाई डॉक्टर ने मेरे साथ ये कहा। अच्छा देखो डॉक्टर साहब, जिसके पास अच्छा जानवर कोई भी हुआ, घोड़ा हुआ या भैंस हुई या कोई भी जैसे बुल हो गया, वो किसी के पास अच्छा आ जाता है तो मार्केट में दो तरह की बातें होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, यानी बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है, तो मतलब उससे आपको कोई फर्क पड़ता है? भाई साहब मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लेवल घोड़े का इतना ऊंचा उठ गया कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी के साथ। पहली बात तो ये, अगर हम किसी वही बात आ खुले कान वाले के साथ मैं किसी के साथ तुलना करूँ तो मेरी तुलना किसी के साथ है नहीं भाई साहब, वो मेरे से ज्यादा है। अच्छा, अगर बंद कान के जो मैं किसी के साथ तुलना करूँ तो उसका मेरे साथ कोई लेवल नहीं। अच्छा, जैसे ठीक है, और दूसरी बात आपने पूछी थी कंपटीशन में अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई की तो मैं बता दूंगा मित्र, अगर अपने घर में कोई घोड़ी क्रॉस करना है अपने घोड़े की, उसने चुगली करी है और घोड़ा था मैंने उसकी घोड़ी पर घोड़ा नहीं छोड़ा भाई साहब, तो मुंह के सामने वसूल है, मुंह के सामने बोल रहे हो तो कतई वसूल है भाई साहब, मैं उसकी घोड़ी पे घोड़ा नहीं छोड़ डालता। और मैंने खुद है 5-10 शीशे हैं और जो मेरे आप घोड़े की ये कुछ शीशी कही है कि भाई वो न्यू है न्यू है न्यू है, लेकिन उसका फोन करके मैंने बताया भी है और भाई साहब ये बात है, और लेकिन वो मेरे साथ मेरे पास आया ना घोड़े के भाई मेरी घोड़ी पे घोड़ा डाल दे, मैंने उसकी घोड़ी पे कभी घोड़ा नहीं डाला भाई साहब, मैंने अपने घर ये जरूर कहा भाई साहब चाय पियो पानी पियो लेकिन मैं आपकी घोड़ी क्रॉस कराऊंगा नहीं। अच्छा, हाँ जी, अभी जैसे मार्केट में इस लाइन में भी काफी नई जो नए नए भाई अपने वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने भी काफी मेहनत की इस लाइन में, तो उनको कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे भाई? मैसेज ये है हमारी जो सपोर्ट होगी हम वो करेंगे दिल से, दूसरी बात अच्छी घोड़ी होगी हम घोड़ा अच्छा डालेंगे उसकी घोड़ी के ऊपर, वो ब्रीड कैसी तैयार होगी वो उनका अपना लक्ष्य है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।